नमस्कार, खबर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पम्मी सिंह और आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। लेकिन सबसे पहले नजर राज्य की खबरों की ओर। तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव व सांसद अभिषेक बैनर्जी सोमवार से फिर से तृणमूल नवज्वार कार्यक्रम में उतर रहे हैं। खास बात यह है कि अभिषेक बैनर्जी डबल उत्साह के साथ जनसहयोग कार्यक्रम में उतर रहे हैं। शुक्रवार को उन्होंने बांकुरा के ओंडा में कार्यक्रम को अस्थायी रूप से स्थगित किया था। वहीं से फिर एक बार जनसहयोग यात्रा की शुरुआत करने जा रहे हैं। तृणमूल नवज्वार कर्मसूची शुरू कर আমি আগামী 22 তারিখ এই বাঁকুড়ার মাটি থেকে আরো 10 গুণ বেশি মানসিকতা উৎসাহ উদ্যম উদ্দীপনা নিয়ে আমি এই লড়াই শুরু করব। অনেক যৌথ বাহিনীর সাথে আমরা লড়েছি, সিপিএম এর সময় যৌথ বাহিনী দেখেছি আর বিজেপির সময় যৌথ বাহিনী দেখছি, প্যারামিলিটারি ফোর্সেস, ইডি, সিবিআই, এখন বিচার ব্যবস্থার একাংশ। शनिवार से ही पूरी हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत हुई और अपने सफर के दूसरे दिन यानी रविवार को ट्रेन पर बिजली आ गिरी। रेलवे के अनुसार रविवार की दोपहर 1:50 पर ट्रेन जब पूरी से कोलकाता की ओर आ रही थी तभी तेज बारिश हो रही थी। आसमानी बिजली ट्रेन के पेंटोग्राफ में आकर गिरी। दक्षिण 24 परगना, भागर के माजरपारा और मुर्शिदाबाद के शमशेरगंज में सुबह ताजा बम बरामद किए गए। एग्रा कांड के बाद बमों की बरामदगी से पुलिस सचेत हो गई। सूत्रों के मुताबिक भांगर में गौशाला से मिले बैग में बम रखे हुए थे। घूमे चला मेला बागान जानलाम के व्यवस्था बम थे पुलिस सब बम टम कुरे तासे पात कुरे तासे घूरते आसे अनेक थके बच्चे দুর্ঘটনা হলে তো কিছু অসুবিধা হবে না, তো বাচ্চা বাচ্চা পায়ে হাতে দিয়ে দিলে বাস হয়ে গেলে অসুবিধা তো। हुगली के उत्तरपाड़ा रेलवे स्टेशन से DRI ने 4.60 करोड़ रुपए के सोने के बिस्किट के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। अभियुक्त का नाम राकेश वर्मा है, वह बिहार का बक्सर का रहने वाला है। मोगरा थाना अंतर्गत चक बांस बेड़िया के किरानी डांगा इलाके में 20 वर्षीय युवक तालाब में डूब गया। कड़ी मशक्कत के बाद रविवार शाम 5 बजे के आसपास युवक का शव बरामद हुआ। पुलिस ने शव को चुनचुरा इमामबाड़ा अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। लड़का का सारा सामान वहां गिरा हुआ है, पड़ा हुआ है। तो हम लोग तब आए, देखे सब पूरा सामान पड़ा हुआ है। इसके बाद हम लोग पहले खोजबीन किए, शव कुआं की तालाब में डूबा हुआ है। तो हम लोग यहाँ का पंचायत का ग्राम का आदमी लोग को बोले, क्लब का लड़का लोग को बोले, तो ये लोग इंतजाम किया लोग और रात में ही से ढूंढना शुरू हो रहा है। रात 12:40 तक हम लोग ढूंढ रहे थे, दो बार जाल मारा गया, नहीं समझ में आए। बड़ा वो बोले कि ठीक है आप लोग काम कीजिए, घर जाइए, सुबह में पनडुब्बी आएगा वो अगर ढूंढ देगा, अगर रात भर में अगर बॉडी आ गया ऊपर में तो ठीक है, नहीं तो रात सुबह में उसको खोजा जाएगा। देश विदेश से जुड़ी खबर की ओर एक नज़र। श्रीनगर में सोमवार से G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की मीटिंग होने वाली है। उससे पहले NIA ने रविवार को आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के ओवरग्राउंड वर्कर मोहम्मद उबैद मलिक को गिरफ्तार किया। मनोरंजन से जुड़ी खबर की ओर एक नजर। विकी कौशल और सारा अली खान अपनी अपकमिंग फिल्म जरा हट के जरा बचके के प्रमोशन के लिए द कपिल शर्मा शो के सेट पर पहुंचे। सेट पर विकी सारा मस्ती करते हुए भी दिखे। महानगर का अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस है तथा न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस है। धूप रहने की संभावना है। अन्य खबरों की विस्तृत जानकारी के लिए देखते रहिए खबर एक्सप्रेस। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।